नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है मीनिंग्स ऑफ नेम। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आपको किसी नाम का अर्थ जानना है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का नाम जान लेते हैं। आज का नाम क्या है दोस्तों, बता दूँ, आज का नाम है अक्षय। अक्षय नाम का मतलब क्या होता है और अक्षय नाम के लड़कों का धर्म क्या होता है और अक्षय नाम के लड़के किन किन क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, आज के वीडियो में आपको ये सब बात बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों बता दूँ, अक्षय नाम पर मैंने जैसा रिसर्च कर रखा है मैं उसके द्वारा आपको अक्षय नाम का मतलब बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं अक्षय नाम का मतलब क्या होता है। अक्षय नाम का मतलब होता है दोस्तों, वो होता है अमर या दोस्तों अनंत या दोस्तों अविनाशी को हम लोग अक्षय कहते हैं। ये तो हो गया दोस्तों अक्षय नाम का मतलब। आगे बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं अक्षय नाम का लड़कों का धर्म क्या होता है। दोस्तों अक्षय नाम का लड़कों का धर्म होता है, वो होता है हिंदू धर्म। अगर दोस्तों राशि की बात कर ले, राशि क्या होता है तो दोस्तों मैं बता दूँ, वो होता है मेष राशि अक्षय नाम के लड़कों का। लकी नंबर की बात कर ले दोस्तों, लकी नंबर क्या होता है तो वो होता है दोस्तों 2 यानी 2 होता है दोस्तों लकी नंबर अक्षय नाम के लड़कों का। शुभ रंग की बात कर ले दोस्तों, मैं बता दूं, वो होता है लाल सफ़ेद और पीला, ये होता है दोस्तों शुभ रंग अक्षय नाम के लड़कों का। शुभ दिन की बात कर ले दोस्तों, मैं बता दूं, वो होता है मंगलवार। अगर आपका नाम अक्षय है तो आप मंगलवार के ही दिन कोई भी शुभ काम करें, उससे क्या होगा कि आपका काम बहुत ही आसानी और सफलतापूर्वक से हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं अक्षय नाम के लड़कों का शुभ पत्थर क्या होता है। दोस्तों बता दूं, होता है मूंगा अथवा गार्नेट रत्न। इस पत्थर को दोस्तों अक्षय नाम के लड़कों को अपने हाथ में अंगूठी के रूप में पहनना चाहिए, जिससे कि उनका दिन भी शुभ रहता है, उनका दिन खुशनुमा बना रहता है। सबसे जरूरी बात कर लेते हैं दोस्तों अक्षय नाम के लड़के किन किन क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, तो वो दोस्तों सेना, आर्किटेक्ट, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र में या इनमें से जुड़े कोई सेक्टर वो चुन सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए नाम के साथ। अगर दोस्तों आपको भी किसी नाम का अर्थ जानना है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे कमेंट सेक्शन में नाम पूछते हैं तो हम लोग उस नाम का अर्थ बताते हैं। दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर हमें कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नाम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।